दोस्तों वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट AKTU के पोर्टल की जानकारी आपको दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। AKTU का KYC पोर्टल, इस पोर्टल का पूरा नाम है नो योर कॉलेज पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से आप कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप AKTU के स्टूडेंट हों या अगर आपने AKTU का एडमिशन ले लिया है या फिर अभी आप AKTU के स्टूडेंट नहीं हैं, जब भी आप इस पोर्टल पर जाके जानकारी ले सकते हैं। तो ये पोर्टल उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो AKTU में एडमिशन लेंगे। सो बहुत ही जल्द AKTU के फॉर्म भी, एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भी निकलने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए पोर्टल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी AKTU में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस पोर्टल की मदद से आप अपने कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि उस कॉलेज के डायरेक्टर कौन है, कॉलेज का प्लेसमेंट कितना है, कितना हाईएस्ट पैकेज है, कितना लोएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज क्या था, प्लेसमेंट जो हुआ था स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर, और कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे थे और कितने स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ, एंड कॉलेज के जो फैकल्टीज़ हैं उनकी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रहा है, और कॉलेज से जुड़ी छोटी मोटी ये चीज़ें होती हैं कि कौन कौन सी लैब्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, सारी जानकारी इस पोर्टल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस पोर्टल के माध्यम से आप कॉलेज की रैंक भी देख सकते हैं कि कॉलेज की रैंक क्या है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं इस पोर्टल को कैसे यूज़ करते हैं। सो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि KYC पोर्टल यानी नो योर कॉलेज पोर्टल कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको AKTU.ac.in वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जल्दी से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ लिखा होता है KYC, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप KYC पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। अब क्या यहाँ पे आपको लिखा रहता है फाइंड द बेस्ट कॉलेज फॉर योरसेल्फ। इसके लिए क्या आपको लोकेशन डालें कि आप कहाँ का कॉलेज देखना चाहते हैं। मान लीजिए अभी हम लखनऊ का ही कोई कॉलेज देखना चाहते हैं, तो हम लखनऊ सेलेक्ट करेंगे। आप कॉलेज टाइप, आप प्राइवेट कॉलेज देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस देखना चाहते हैं। हम अभी ये प्राइवेट की आपको बताते हैं। प्राइवेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कोर्स सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स का कॉलेज देखना चाहते हैं। मान लीजिए BTech का ही हम देखते हैं, BTech ही ज़्यादा पॉपुलर है AKTU की। फिर इसके बाद आप ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ब्रांच का आप देखना चाहते हैं। अभी मैं सर्च कर देता हूँ, ऑल ब्रांच का देखता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू टैब फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप क्या देखिए, लखनऊ के सारे प्राइवेट कॉलेज की लिस्टें आने लगी है। तो चलिए मान लीजिए हम इस कॉलेज को देखते हैं, BBD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट लखनऊ, 054 इसका कॉलेज कोड है AKTU का। सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक न्यू टैब खुलने लगेगी। तो आप क्या देखिए, कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी यहाँ आने लगेगी। अब देखिए जनरल इन्फॉर्मेशन खुली हुई है कॉलेज के बारे में कि कॉलेज के डायरेक्टर का ईमेल आईडी क्या है, विजन क्या है, मिशन क्या है कॉलेज का। अब क्या है कि आप मैनेजमेंट देख सकते हैं कि कॉलेज के डायरेक्टर वगैरह कौन है और टीचर्स कौन है, सेक्रेटरी हैं, ये चेयरमैन है। सो ऐसे आप डिटेल देख सकते हैं। आप कोर्स आप देखना चाहते हैं कि ये कॉलेज कौन कौन से कोर्स ऑफर करता है, तो आप कोर्स देख सकते हैं। आपको कितनी सीटें हैं, कितनी इनटेक है, कितनी शिफ्ट में चलता है। आप देखिए BTech फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों में चलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं, कितनी लैब्स हैं, क्या है, नंबर ऑफ़ PCs 605 हैं, लीगल सिस्टम सॉफ्टवेयर 6 हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे लिस्टेड रहता है इस पोर्टल पर। और बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप देख सकते हैं कितने जर्नल्स वगैरह रिसर्च पेपर कॉलेज ने पब्लिश किए हुए हैं। बट अभी क्या है कि ज़्यादातर कॉलेज ने ये जानकारी डाली नहीं है, ये वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली। फीस भी आप देख सकते हैं, बट हम फीस वाले पे जाते हैं तो इसके लिए लिख के आने लगता है प्लीज़ फॉर फीस काइंडली चेक रेगुलर अथॉरिटी ऑफ उत्तर प्रदेश वेबसाइट। प्लेसमेंट आप चेक कर सकते हैं। प्लेसमेंट के लिए क्या है, आप देखिए 96 कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं कैंपस में, जिसमें 294 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं और जिसमें से 221 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। सो जो एवरेज पैकेज था वो 2,37,000 था, हाईएस्ट पैकेज 6,06,000 था। गैलरी की बात करें तो गैलरी में आपको कॉलेज के कुछ फोटोज़ मिल जाएंगे जो कि कॉलेज द्वारा अपलोड किए गए हैं, और प्रीवियस रैंक मिल जाएगी। तो प्रीवियस रैंक वाला ऑप्शन है, क्या है वो, क्या है अभी। सो यहाँ पे प्रीवियस रैंक में मिल जाएगी, बट ये अभी क्या है कि पूरी अच्छी तरह फंक्शनल नहीं है, कुछ कॉलेजों में फंक्शनल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और जूनियर्स के साथ शेयर करिए, इससे उन्हें कॉलेज के बारे में सटीक जानकारी मिले। मैं आपके लिए AKTU रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए।